प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय दुर्ग के आनंद सरोवर में एक दिवसीय योग साधना में बने फरिश्ता ब्रह्मा जैसे विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माउंट आबू से आए राजयोगी ब्रह्मा कुमार ने योग साधना पर प्रकाश डाला। दुर्ग के बघेरा स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आनंद सरोवर में एक दिवसीय योग साधना का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई व ब्रह्म कुमारी गीता दीदी ने लोगों के बीच गहन योग साधना कार्यक्रम में बने फरिश्ता ब्रह्मा जैसे विषयों पर अपना वक्तव्य दिया और कहा कि वर्तमान जीवन का आनंद लेने के लिए सभी को अपने पुण्य का खाता बढ़ाना है। पुण्य की परिभाषा है सभी मनुष्य आत्माओं को मन वचन कर्म से सुख देते चले। उन्होंने कहा, समाज में दिन प्रतिदिन तनाव और अवसाद बढ़ता जा रहा है, बिना किसी कारण के मनुष्य भयग्रस्त महसूस कर रहा है। ये पूर्व संचित पाप कर्म का परिणाम है जो अनजाने में मनुष्य आत्मा से हुआ है। उन्होंने इससे बचने के लिए संकल्प का तरीका भी बताया। वही ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी ने कहा कि भगवान में ऐसा निश्चय चाहिए जैसे छोटे बच्चे को अपने माता पिता पर होता है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी दुर्ग की संचालिका रीटा बहन ने सभी साधकों का स्वागत कर योग साधना शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में दुर्ग शहर के सभी सेवा केंद्रों व आसपास ग्रामीण अंचल से आए हुए लोग शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।